दिस इज मी पुनेश कुमार टेमरे. इन टुडेज क्लास वी हैव टू गो फॉर पार्ट वन ऑफ अमोर्टाइज एनालिसिस. तो व्हाट एग्जैक्टली अमोर्टाइज एनालिसिस इज? तो इन एन अमोर्टाइज एनालिसिस द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस इज एवरेज ओवर ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म. तो जैसे कि हमने किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करने का तरीका इससे पहले वाले क्लासेस में स्टडी किया था, वहां पे हमने प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस मेथड देखा था. तो ऑन द सिमिलर फैशन इन टुडेज क्लास वी हैव टू गो फॉर अमोर्टाइज एनालिसिस. तो अमोर्टाइज एनालिसिस इज वंस अगेन अल्गोरिदम एनालाइजिंग टेक्निक्स एंड वेयर व्हेनेवर वी वांट टू गो फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनालिसिस एट दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग द सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस आर एवरेज ओवर ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म. Amortized analysis differs from average case analysis in that here probability is not involved. So probabilistic analysis जो method था वहाँ पे हम probability को कहीं ना कहीं consider कर रहे थे, but amortized analysis में हम कहीं पर भी probability को involve नहीं करते हैं. And amortized analysis guarantees the average performance of each operation in the worst case. तो worst case में कोई भी अगर हमारे पास operation है तो वो operation ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉम्प्लेक्सिटी लेगा उसका एवरेज परफॉर्मेंस हमेशा अमोर्टाइज एनालिसिस मेथड हमको गारंटी करेगा. अमोर्टाइज एनालिसिस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ विच सीरीज ऑफ ऑपरेशंस आर पॉसिबल. तो बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम का अमोर्टाइज एनालिसिस अगर हमें परफॉर्म करना है तो अमोर्टाइज एनालिसिस परफॉर्म करते हो किस पर्टिकुलर सिक्वेंस में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसकी जानकारी होना हमें जरूरी है. दिस इज मोस्ट कॉमनली the case with the data structures which have state that persists between the operations. So particularly amortized analysis method को हम कहीं पर भी use नहीं करते. कुछ specific applications होते हैं जहीं वहाँ पे ही हम इस particular method को use करते हैं. तो ऐसे particular applications कौन से? तो generally अगर हमारे पास कोई एक data structure है और उसी data structure पे हम similar type of operations अगर बार-बार perform कर रहे हैं, तो ऐसे operations का एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हम अमोर्टाइज एनालिसिस यूज करते हैं. तो जनरली हमने देखा था कि अल्गोरिथमिक एनालिसिस अगर हमें करना है तो दो मेथड्स हमारे पास है, एक है प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस और सेकंड है हमारा अमोर्टाइज एनालिसिस. तो प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस मेथड जो है, इस प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस मेथड में कहीं ना कहीं हम प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं, जबकि अमोर्टाइज एनालिसिस मेथड में हम कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं करते. और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में यूज होने की वजह से जो कुछ भी एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं वो लगभग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है, बट अमोर्टाइज एनालिसिस में हम एक्चुअल एनालिसिस की तरफ जाते हैं. वहां पे देखते हैं कि हमारे पास टोटल ऑपरेशंस कितने हैं और वो टोटल ऑपरेशंस को वर्स्ट केस में परफॉर्म करने के लिए टाइम कितना लग रहा है वो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर टाइम को हम एवरेज कर देते हैं बाय नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एंड दैट्स व्हाई अमोर्टाइज एनालिसिस से जो कॉम्प्लेक्सिटी हमको मिलेगा लगभग ये कॉम्प्लेक्सिटी जितना एक्चुअल होगा उतने के ही करीब का मिलेगा. यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं होता. तो नाउ इफ यू वांट टू परफॉर्म अमोर्टाइज एनालिसिस, तो अमोर्टाइज एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए जनरली हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज एग्रीगेट मेथड, सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग मेथड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल मेथड. तो अमोर्टाइज एनालिसिस परफॉर्म करने के तीन मेथड्स और तीनों मेथड्स में से फर्स्ट मेथड हम आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एग्रीगेट मेथड. तो नाउ इन टुडेज क्लास वी हैव टू गो फॉर हाउ डज वी कैन परफॉर्म अमोर्टाइज एनालिसिस बाय एग्रीगेट मेथड. तो हियर वी हैव एग्रीगेट मेथड. तो एग्रीगेट मेथड में अमोर्टाइज एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म करते? तो वी डिटरमाइन एन अपर बाउंड टी ऑफ एन ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशंस. तो एक्चुअली हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है वो है टी ऑफ एन और उसको भी कैसा अपर बाउंड और कितने इंस्ट्रक्शंस पे सीक्वेंस आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे टोटल एन. तो जब हमें वर्स्ट केस एनालिसिस में बाय यूजिंग एग्रीगेट मेथड अमोर्टाइज एनालिसिस परफॉर्म करना है तो एट दैट टाइम एवरेज कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज T of n by n. यानी क्या किया हमने? Actually हमने worst case analysis perform किया पूरे sequence के लिए. This is what called as T of n. और T of n को फिर number of instructions यानी n से हमने average कर दिया. And that's why this particular method is called as aggregate method. तो here we have to take note that
This amortized cost applies to each operation even when there are several types of operations in the sequence. Actually, हमारे पास जितने भी operations होंगे, ये सारे के सारे operations को हमें consider करते हुए aggregate method में हमें amortized analysis या amortized cost calculate करना है। तो amortized cost calculate करने के लिए by using aggregate method हम यहाँ पे पहला example study कर देते हैं। तो here we have example one stack operations। तो पर्टिकुलरली हमारे पास एक स्टैक है और स्टैक पे कुछ हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो स्टैक पे जनरली परफॉर्म करने वाले ऑपरेशंस कौन से हैं? तो हमारे ऑपरेशंस है पुश ऑपरेशंस, पॉप ऑपरेशन और मल्टीपॉप ऑपरेशन। ऐसे तीन तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तीनों ऑपरेशंस अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टैक पे, तो उस स्टैक पे ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए एमोर्टाइज कॉस्ट कितनी होगी, दैट वी हैव टू कंप्यूट। तो व्हाट इज आवर गोल? और गोल इज फाइंड द वर्स्ट केस टाइम टी ऑफ एन फॉर एन ऑपरेशंस। तो एक्चुअली अगर हमारे पास ये तीनों तरह के एन ऑपरेशंस अगर हमारे पास दिए हुए, तो उसके लिए वर्स्ट केस टाइम कितना होगा, ये सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एग्रीगेट मेथड से अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि पहले टी ऑफ एन कैलकुलेट करो, उसके बाद नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से उसको डिवाइड करो। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वर्स्ट केस टाइम, and after that we have to divide it by the number of instructions, automatically we will get the amortized cost. So is tarike se hum amortized cost calculate karne wale, that is what our goal. And accordingly here we have one stack, aur us particular stack pe hum push, pop and multi pop is tarah ke operations perform karne. So one by one operations hum study kar lete hain. Pehla operation hai push operation. So here we have given one stack, aap yahan dekh sakte ho ek stack hai, और उस स्टैक में जो इलेमेंट्स है वो है ए बी सी डी, ऑलरेडी चार इलेमेंट्स है, और हमारा टॉप पॉइंटर जो है वो डी को पॉइंट कर रहा है। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन पुश एक्स एक्स। इसका मतलब एक्स वाले इलेमेंट को स्टैक में हमें पुश करना है। अब एक्स वाले इलेमेंट में स्टैक पे अगर पुश करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली हमें चेक करना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर इलेमेंट को हमें एंटर करना है, वो इलेमेंट को एंटर करने के लिए पहले टॉप पॉइंटर को एक से बढ़ाना पड़ेगा, और टॉप पॉइंटर को एक से बढ़ाने के बाद जो कोई भी रिजल्टेंट लोकेशन होगा, दैट विल बी द स्टैक ऑफ टॉप प्लस वन, वहां पे उस इलेमेंट को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर इस तरह के ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगी, दैट विल बी द बिग ओ ऑफ वन। एंड दैट्स व्हाई इफ वी हैव द ऑपरेशन पुश एक्स एस, तो ये परफॉर्म करने के बाद हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने टॉप पॉइंटर को पहले एक से बढ़ाया, पहले टॉप यहाँ पे था, टॉप को एक से बढ़ाया तो टॉप ऊपर चले जाएगा, और रिजल्टेंट जो टॉप पोजीशन होगा वहां पे हमारा जो इलेमेंट हम इंसर्ट करना चाहते थे, ये एक्स इंसर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट द पुश ऑपरेशन। तो पुश परफॉर्म करने के लिए हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी लगा, दैट इज ए बिग ओ ऑफ वन। वी हैव नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज पॉप ऑपरेशन। जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो पॉप में क्या करना है, स्टैक का टॉप जहाँ पे वहां से एक इलेमेंट को हमें डिलीट करना है। तो स्टैक का टॉप जहाँ पे अभी करंटली आप यहाँ देख सकते हैं हमारा स्टैक है यस, और टॉप जो पॉइंट कर रहा है वो डी को पॉइंट कर रहा है, इसलिए टॉप पे जो भी इलेमेंट रहेगा दैट विल बी डिलीटेड। तो अभी डिलीट कौन होगा? डी। तो डी को कैसे पॉप करेंगे? तो डी को पॉप करने के लिए हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया पॉप ऑफ यस। तो पहले टॉप पॉइंटर हमारा एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा, और टॉप पॉइंटर एक से डिक्रीमेंट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो वाला इलेमेंट जिसको टॉप पहले पॉइंट कर रहा था वो वहां से हट जाएगा। तो सिचुएशन विल लुक लाइक दिस। तो पॉप भी अगर हमें परफॉर्म करना है, तो पॉप परफॉर्म करने के लिए हमें वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो लग रही है, दैट इज बिग ओ ऑफ वन। देन नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशन मल्टीपॉप। तो हियर वी हैव मल्टीपॉप ऑपरेशन। अब मल्टीपॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है? तो मल्टीपॉप ऑपरेशन में हम मल्टीपॉप यस कॉमा के इस तरह का फंक्शन कॉल करेंगे। तो मल्टीपॉप यस कॉमा के मींस के इंडिकेट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेमेंट्स यू वांट टू पॉप। तो एक से ज्यादा इलेमेंट्स अगर आपको पॉप कराना है, तो एट दैट टाइम यू विल यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन मल्टीपॉप। तो व्हाट विल बी द लॉजिक? लॉजिक ये है कि व्हाइल नॉट स्टैक एम्प्टी, यानी जब तक के स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड के नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब आपको कुछ पॉजिटिव वैल्यूज, यानी जितने इलेमेंट्स आपको पॉप करना है ये पॉजिटिव काउंट होना चाहिए अगर ये परफॉर्म करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, रिपीटेडली यू हैव टू परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन, और हर बार आपको क्या करना है, एक से एक से डिक्रीमेंट करना है। तो इस तरह का ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगा, दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मिनिमम ऑफ यस कॉमा के। तो मिनिमम ऑफ यस कॉमा के कैसे आएगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैक दिया हुआ है, तो स्टैक यस, टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास चार, और टॉप पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है डी को, और हमने ऑपरेशन जो कॉल किया है, दैट इज व्हाट मल्टीपॉप यस थ्री। मल्टीपॉप यस थ्री का मतलब है हमें टोटल तीन एलिमेंट्स यहाँ से पॉप करना है।
तो सबसे पहले पॉप होने वाला एलिमेंट रहेगा डी, फिर बाद में पॉप होगा बी सी, और बाद में पॉप होगा बी। तो इस तरीके से हमें तीन एलिमेंट पॉप कराना, तीन एलिमेंट पॉप करा तो सबसे पहले तो टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप होगा, तो टॉप पे कौन है आपका डी, तो डी पॉप होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं टॉप का पॉइंटर हमने एक से रिड्यूस किया और ऑटोमेटिकली हमारा डी पॉप हो जाएगा, एंड नाउ करंटली माई टॉप विल गेट पॉइंट टू सी। फिर नेक्स्ट इसमें फिर से हमको टॉप को एक से डिक्रीमेंट करना है, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके का रहेगा, एंड नाउ टॉप विल पॉइंट टू बी। फिर नेक्स्ट इटरेशन में फिर से हमें टॉप पॉइंटर को एक से डिक्रीमेंट करना है, तो सिचुएशन रहेगा कुछ इस तरह का, एंड नाउ टॉप विल पॉइंट टू बी। तो इस तरीके से पहले हमने डी को पॉप किया, बाद में हमने बी को पॉप किया, बाद में सी को पॉप किया, और बाद में हमने डी को पॉप किया। तो इस तरीके से कैसे हम देख सकते हैं कि सिक्वेंशियली हमने डी सी और बी तीनों को पॉप किया, गेटिंग इट। तो हमने ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया था, हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था यहाँ पे मल्टी पॉप यस कॉमा थ्री। तो मल्टी पॉप यस कॉमा थ्री यानी के की वैल्यू 3 3, और स्टैक में टोटल एलिमेंट कितने थे हमारे 4। तो मान के चलो कि अगर हम मल्टी पॉप यस कॉमा के ये वाला फंक्शन अगर अप्लाई करते, तो मल्टी पॉप यस कॉमा के ये फंक्शन अप्लाई करने के बाद मीन स्टैक साइज, ये दोनों में से जो भी नंबर कम होगा दैट विल बी द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा स्टैक साइज 4 था और k का वैल्यू 3 था, इसलिए हमको तीन ऑपरेशंस लगे। बट मान के चलो कि स्टैक में अगर मेरे पास दो ही एलिमेंट्स होते और मैं तीन एलिमेंट पॉप करने की बात करता, फिर भी मुझे दो ही बार इटरेशंस परफॉर्म करने पड़ सकते थे, गेटिंग इट। तो दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी हैव टू अप्लाई द मल्टी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगा दैट विल बी मिनिमम केस कॉमा। तो हमने अभी देखा कि पुश के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा दैट विल बी बिग ओ ऑफ 1, पॉप के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगा दैट विल बी वंस अगेन बिग ओ ऑफ 1, और मल्टी पॉप के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा दैट विल बी मिनिमम ऑफ यस कॉमा के। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इन स्टैक ऑपरेशंस के लिए भी हम सिंपल एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं अगर हमारे पास टोटल n इंस्ट्रक्शंस है। तो लेट अस एनालाइज द सीक्वेंस ऑफ n पुश पॉप एंड मल्टी पॉप ऑपरेशन ऑन n इनिशियली एम्प्टी स्टैक। हमारे पास इनिशियल स्टैक जो है वो एम्प्टी है, और इस एम्प्टी स्टैक पे अगर हमें n इंस्ट्रक्शंस है पुश पॉप और मल्टी पॉप, और इनको एनालिसिस अगर परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले सिंपल एनालिसिस यानी प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस मेथड से हम यहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो अगर मल्टी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये सिंगल मल्टी पॉप ऑपरेशन के लिए हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट विल बी द बिग ओ ऑफ n। पुश ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते तो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ओ ऑफ 1, और पॉप ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते तो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा बिग ओ ऑफ 1। बट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कौन सा है यहाँ पे, मल्टी पॉप इंस्ट्रक्शन, और मल्टी पॉप इंस्ट्रक्शन की एक सिंगल मल्टी पॉप इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ n है, और ऐसे मेरे पास n इंस्ट्रक्शंस है, तो n इंस्ट्रक्शंस के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। एंड दैट्स व्हाई अगर हम स्टैक ऑपरेशंस के लिए प्रोबेबिलिस्टिक या सिंपल एनालिसिस परफॉर्म अगर करते हैं, तो नाउ इट इज फाउंड दैट हमारा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रहा है दैट कम्स आउट बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ टी ऑफ n, तो टी ऑफ n जो मिल रहा है हमारा वो मिल रहा है बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। तो सिंपल एनालिसिस तरीके से स्टैक ऑपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो मिल रहा है दैट इज बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। अभी सेम स्टैक ऑपरेशंस को भी हम एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग एग्रीगेट मेथड। तो एग्रीगेट मेथड से अगर हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो वी हैव टू गो फॉर द एमोर्टाइज एनालिसिस बाय यूजिंग एग्रीगेट मेथड। तो हियर यूजिंग एग्रीगेट मेथड ऑफ एमोर्टाइज एनालिसिस वी कैन ऑब्टेन अ बेटर अपर बाउंड दैट कंसीडर्स एंटायर सीक्वेंस ऑफ n ऑपरेशंस। जब हमने सिंपल एनालिसिस परफॉर्म किया था, तो किस पर्टिकुलर फैशन में हमने स्टैक को ऑपरेट किया था ये चीज हमने देखा ही नहीं। हमने सिंपली देखा कि हमारे इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, इंस्ट्रक्शन का काउंट कितना, और हर इंस्ट्रक्शन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट किया कि स्टैक ऑपरेशंस के लिए टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा। तो रफली अगर कहा जाए तो हमने बोला था कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो है मल्टीपॉप, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ओ ऑफ n, और ऐसे n इंस्ट्रक्शंस थे इसके लिए स्टैक ऑपरेशन का टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हमने बोला था बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। जबकि अमोर्टाइज एनालिसिस ऐसा नहीं करता, अमोर्टाइज एनालिसिस एक्चुअल सीक्वेंस क्या है वो समझता है, और एक्चुअल सीक्वेंस समझने के बाद में फिर वहां पे हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। और एक्चुअल सीक्वेंस समझते भी अगर हम एनालिसिस परफॉर्म अगर करेंगे, तो हमको एक्चुअल सिनेरियो समझ में आता है, और एक्चुअल सिनेरियो की वजह से ये हो सकता है कि हमारी जो कॉस्ट रहेगी वो कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे फैक्ट ये है
कि ऑल्दो सिंगल मल्टीप ऑफ ऑपरेशन कैन बी एक्सपेंसिव एंड एनी सीक्वेंस ऑफ एन पुश पॉप एंड मल्टीप ऑफ ऑपरेशन ऑन एन इनिशियल एम्प्टी स्टैक कैन बी कॉस्ट एट एटमोस्ट बिग ओ ऑफ एन। अब ये चीज हमको समझना है कि हमने बोला था कि मल्टीप ऑफ ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है और ऐसे एन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होंगी, बट ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। एक्चुअल सिनेरियो ये है कि भले ही एन इंस्ट्रक्शंस आपके पास क्यों ना हो पुश पॉप और मल्टी पॉप की, लेकिन ये सारे एन इंस्ट्रक्शन को एनालाइज एन इंस्ट्रक्शन को अगर हम एनालाइज करेंगे तो ये एन इंस्ट्रक्शंस की एट द मोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिग ओ ऑफ एन इतनी रहेगी। हमने सिंपल एनालिसिस में इसको एन स्क्वायर कहा था, लेकिन एमोर्टाइज एनालिसिस से कहता है कि ये वाला एनालिसिस एन स्क्वायर नहीं रहेगा जबकि कितना रहेगा बिग ओ ऑफ एन रहेगा, और ऐसा क्यों रहेगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो अभी एमोर्टाइज एनालिसिस से स्टैक ऑपरेशंस जब हम कंप्यूट करने जा रहे हैं तो हमारा क्लेम ये है कि एनी सीक्वेंस ऑफ पुश पॉप एंड मल्टी पॉप हैज एटमोस्ट वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ एन, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि ईच ऑब्जेक्ट कैन बी पॉप एट मोस्ट वन टाइम फॉर ईच टाइम इट इज पुश्ड, क्योंकि कोई एलिमेंट अगर आपने एक बार पुश किया तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक ही बार पॉप कर सकते हो। द नंबर ऑफ पुश ऑपरेशंस इज एन, क्यों? क्योंकि एक सिंगल एन ऑपरेशन की वजह, एक सिंगल पुश ऑपरेशन की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो लगता है वो है बिग ओ ऑफ एन। तो ऐसे अगर आप एन पुश ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो पुश की वजह से लगने वाला कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा बिग ओ ऑफ एन। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए वन, तो एन ऑपरेशंस के लिए बिग ओ ऑफ एन। अब क्या है, एन इलेमेंट आपके स्टैक पे आ गए, अब एन इलेमेंट अगर आपके स्टैक पे आ गए तो एन इलेमेंट को पॉप कराने के लिए आपको कितना पास लगेगा। तो एन इलेमेंट को पॉप कराने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम उसको पॉप करा सकते बाय यूजिंग सिंपल पॉप ऑपरेशन, या फिर हम उसको पॉप करा सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपॉप ऑपरेशन। अब देखो अगर हम सिंगल सिंपल पॉप ऑपरेशन से अगर पॉप कराएंगे तो सिंपल पॉप ऑपरेशन से पॉपिंग के वक्त हमको कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगता है बिग ओ ऑफ वन, तो एक एलिमेंट को पॉप कराने के लिए कॉस्ट कितना लगेगा वन। अब हमारे पास टोटल एलिमेंट कितना है एन, और एन एलिमेंट को अगर आपको पॉप कराना है तो एन एलिमेंट को पॉप कराने के लिए एन टाइम आपको पॉप कॉल करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम पॉपिंग की निकालते तो इट कम्स आउट बिग ओ ऑफ एन, यानी एन इलेमेंट के लिए पुश कराने के लिए एटमोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन लगा, उन्हीं इलेमेंट को बाय यूजिंग सिंपल पॉप ऑपरेशन पॉप कराने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो लगा वो फिर से बिग ओ ऑफ एन लगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इन्हीं एन इलेमेंट को हम मल्टी पॉप ऑपरेशन से पॉप करा के देखते, तो इन्हीं एन इलेमेंट को मल्टी पॉप ऑपरेशन से अगर आप पॉप कराओगे तो पॉप कराने के लिए मल्टीपॉप ऑपरेशन को बहुत ज्यादा बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल मल्टीपॉप ऑपरेशन में आपके एन एलिमेंट्स पॉप हो जाएंगे। अब सिंगल मल्टीपॉप ऑपरेशन में अगर आपके एन एलिमेंट पॉप हो जाएंगे तो मल्टीपॉप ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मल्टीपॉप कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है मिनिमम ऑफ एस कॉमा थ्री। अब एस क्या है, स्टैक साइज, स्टैक साइज कितना है एन, और आपको कितने एलिमेंट पॉप कराना है तो मिनिमम ऑफ एन कॉमा एन कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा फिर से एन, एंड दैट्स वाई अगर हम अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो चाहे पुश की करो पॉप की करो या मल्टी पॉप की करो आपका कॉस्ट जो आएगा ओवरऑल कॉस्ट वर्स्ट केस कॉस्ट जो आएगा दैट विल बी बिग ओ ऑफ एन। और एग्रीगेट मेथड से अगर हमें अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो एग्रीगेट मेथड से अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करता तो अमोर्टाइज कॉस्ट जो रहेगा दैट विल बी द टोटल वर्स्ट केस टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो टोटल वर्स्ट केस टाइम कितना है बिग ओ ऑफ एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एन, एन डिवाइडेड बाय एन इट कम्स आउट वन, एंड दैट्स व्हाई अगर हम स्टैक ऑपरेशंस के लिए अगर अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली कॉस्ट है बिग ओ ऑफ एन। तो आपको याद रखना है प्रोबेबिलिस्टिक ऑपरेशंस, प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस जब हमने परफॉर्म किया था वो स्टैक ऑपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी आया था हमारा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, जबकि सेम चीज जब हमने अमोर्टाइज कॉस्ट से कैलकुलेट किया तो अमोर्टाइज एनालिसिस से यही वाला एनालिसिस का कॉस्ट जो आया दैट कम्स आउट बिग ओ ऑफ एन। तो दिस इज अबाउट हाउ टू परफॉर्म अमोर्टाइज एनालिसिस फॉर स्टैक ऑपरेशंस।